अलहमदल रबिलमी वसलासमौल اللهم صل على व मौलाना محمد وعلى اله वसहाब ही وسلم وصلي عليه दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनीद अकबाल की जानब से इनतहाई मोहब्बत के साथ असलमैलैक्म एक बार फिर नाजरीन आपको सुबह नूर के साथ मैं दिल की अत गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और आइए बिला चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत रहमा की तारीफ़ अस्मानबी करीम सल सबारक पढ़ने और सुनने की सदत हासिल करते हैं सैदुना और राहम सल्ह वसलम हमारे सरदार सिलामी फरमाने वाले दरूद विजयल्ला वसलम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और साहबा कराम रजवानल तजमयन पर हज़रत साद रजी अल्लाने हजूर नबी करीम सल्ला वसलम से अर्ज़ किया कि मेरी वालदा वफात पा चुकी हैं उनकी तरफ से सदका करूँ तो उनको फ़ायदा पहुँचेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ और तुम पानी का बंदोबस्त करो जहाँ लोगों को पानी की ज़रूरत हो वहाँ कुआ बना दो नाजरीन कराम हमारे साथ आज आपने ज़रूर जुड़े रहना है क्योंकि आज इन ऐसी मुमताज़ मुकर्रम बारगाह में हम तमाम मुसलमान मिलकर हदाय पेश करेंगे जो बारगा यकीन इंतहाई मुमताज़ और मुकर्रम बारगाह है यानी मैं कहाँ से बात का आगाज़ करूँ कि जो गुलशन सैद कायन कायनत बीबी फातमत ज़हरा सलामुल्ल के इंतहाई खुशबूदार और इंतहाई हसीन तरीन फूल हैं जो मौलाए कायनात मौला अली कर करीम के लाडले भी हैं और मौलाए कायनात की इल्मी जो विरासत है उसके कस्टोडियन भी हैं जो इमाम जाफर सदसम के पोते हैं जो इमाम मूसा काजम आलम के नूरे नज़र हैं जिनकी आमद से पहले इलमी मसनत के शहनशाह हज़रत इमाम जाफ़र सदक़ल ने उनकी आमद की बाकायदा उनके बाबा जान इमाम मूसा काजमाम को बिशारत अता फरमाई जिनकी वालिदा मोहतरमा नाजरीन बस वही बात है कि लोग शायद इस बात को समझ पाए बल्कि समझना चाहिए साहब कि ये लेगेसी जो है वो वालदे से चल रही होती है यानी जिनकी अम्मी जान का इंतबाब खुद ख्वाब में सरकार मदीना सल्ला वसलम तशरीफ ला कर फरमाएं और जिनकी अम्मी जान खुद ये फरमाएं कि जब वो मेरे पेट में थे तो मुझे ऐसा महसूस होता था ख्वाब में जैसे वो तस्वीर व तहलील किया करते हैं मैं बात कर रहा हूँ नाजरीन किसी और की नहीं बल्कि मशक़ के शहनशाह कि जिनका मज़ार अकदस आज मशरद के अंदर बुका नूर बना हुआ है यानी उनकी नूरानी किरने यकीन हम तमाम गुलामों को हम तमाम उशाखान रसूल सलील वसलम को वो चमक वो दमक दे रही हैं कि जिस चमक और दमक में हम अपने रास्ते का तयन नहीं करते बल्कि आखरत की मंजिल को बाकायदा तलाश किया करते हैं सही दुना इमाम का जिक्र पा के हजरत इमाम अली रजा नाजर आठवें फूल हैं इमामत के और ऐसे खूबसूरत फूल हैं ऐसे हसन फूल हैं कि अल्लाह तबारक ने आप बेतहाशा सलाइयों से नवाजा था यानी एक तो वो जो नसबी और जगह तो मौजूद है और उससे बड़ा नसब क्या होगा साहब जो नसब सरकारी जुड़े हुए पूरी कायनात रहती दुनिया तक उस नाक को सर उठा के देखती रहेगी और उस नाक की बारगाह में अपने सरों को इंतहा अकीदत से झुकाती रहेगी यानी एक तरफ तो वह नसबी फ है लेकिन दूसरा

होते इमाम मोहम्मद तक पहुंचा वहां से फैजान इमाम मोहम्मद ज़ाफ़र तक, तक, तक कोई हाजत हो तो मैं इमाम मूसा जाता हूं अल्लाह तबाराजतों को पूरा कर दिया करता है तोलाद मुस्तफा के

की, लेकिन उसके बावजूद भी आपने शाही प्रोटोकॉल को किसी भी तौर से कोई अहमियत न दी यानी बिछवाया करते थे, थे।, थे। वो वो खलीफा यह कहता हो कि जो बादल का टुकड़ा जा रहा है यह कहीं भी चला जाए जिस जगह जाके बरसेगा वहां से जो पैदावार आएगी, उसका खराज हमें मिलेगा तो इतनी बड़ी सल्तनत के आपने दुनिया को कम्मल तौर पर ठोकर मार के रखी थी और किसी किस्म की आपने कोई प्रोटोकॉल को अपने साथ मंसूब नहीं होने दिया आज नाजन उन्हीं की बारगाह में चलते हैं कि जो राज दुलारे हैं हजरत इमाम मूसा काजिम के और तिहाई खुशबूदार फूल हैं मौलाई कायनत मौला अली करमलाजुल करीम के गुलशन के हमारे साथ इस वक्त शख्सियात मौजूद हैं जो यकीनन किसी तार्फ़ के महताज नहीं पहली शख्सियत मुमताज़ आलिद्दीन मोहरम जनाब मुफ्ती गुलाम मुहिद्दीन साहब तशीफ फरमाए और दूसरी शख्सियत मुमताज़ जनाब अल्लामा मोहम्मद फरहान कदरी साहब तशरीफ़ फरमाए और हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ आलिद्दीन जनाबा इक्राम हुसैन क़ादरी साहब तशीफ फरमाए आपको खुश आमदीद करता हूँ आगाज़ करते हैं साहब है एक, एक ऐसी हस्ती के जिनका ज़िक्र पाक ही हमारे लिए दर निजात है इसमें कोई दूसरी राय नहीं बल्कि जिनका जिक्र पाक जिक्र निजात अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा हदरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम सबसे पहले तो उन खानदानी अजमतों में अपना हिस्सा डालिए उसका जिक्र करके क्योंकि मैं ये सवाल करना ही गलत समझता हूं कि खानदानी अजमत बयान कीजिए हम क्या बयान करेंगे साहब हमारी क्या अवकात है उसमें हिस्सा डालिए और दूसरा ये एक लकब रजा यानी यह कैसा रजा ऐसा रज़ा कि जिससे अल्लाह राजी जिससे रसूल राजी तो आइए ज़रा उनकी बात कीजिए तोजियर और और दीगर अल्कबा और ख़ास तौर पर मैं मैं समझता हूँ इब्तदा में आप ज़रूर मुफ्ती साहब ही बताइए ये जो हब्ब अहल बैतलार है ये सरमाए ईमान क्यों है बताइए आगाज़ की बिसमिल रहीन हज़रत सैदना सद्दीक़ अकबर रजी अल्ला तरमाते हैं कि मुझे अपने खानदान से ज़्यादा मुझे नबी वसल्लम के ख़ानदान के बारे में मालूम है मैं बारे इस बारे में ज़्यादा जानता हूँ जितना मैं अपने ख़ानदान के बारे में नहीं जानता उतना मैं हजूर वसल्लम के ख़ानदान के बारे में जानता। तो, तो इससे ये बात वाज होती है कि सैदना सिद्दीके अकबर रज़ी अल्लाह तुम उम्मत में सबसे ज्यादा अफजल तरीन है वो ये फरमाते हैं कि हमें अपनी दिलचस्पी का इजहार खानदान नबूत में इस अंदाज़ में करना चाहिए कि अपने ख़ानदान से ज़्यादा हमें नबी पाकलाम के ख़ानदान के बारे में मालूम होनी चाहिए तो ये बहुत बुनियादी बात है अच्छा अब हम चलते हैं जब इनके नसब के हवाले से चलते हैं तो हमें ये बात मालूम चलती है कि सबसे पहले नजीबरफ़ैन हाशमी अगर आप देखें तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुम है एक तरफ जनाब यह सिलसिला मराज बहरा का जो सिलसिला है तो एक तरफ मौला अली से जाता है हाशिम रजी रजी अल्लाह तन की तरफ सैयद फातमा की तरफ से जाता है हाशिम की तरफ तो ये नजीब उत्तरफैन हाशमी है तो ये सिलसिला जब आगे आता है तो हम पहली मरतबा इस उम्मत के पहले नजीबुत तरफैन सैयद अगर आप किसी को कहेंगे तो हज़रत इमाम मोहम्मद अलबाख़िर हैं अब आप देखिए मोहम्मद अलबाख़िर जो हैं यहाँ पर इनका सिलसिला नसब हज़रत इमाम जैनलाबिदीन से मौला अली की तरफ जाता है और फिर इधर से इमाम हसन की तरफ से ये सिलसिला नसब जो है मौला अली की तरफ सैद फातमा की तरफ जाता है तो ये पहले नजीबुत तरफैन सैद हैं उम्मत के तो अब मोहम्मद अलबाख़िर नाम मोहम्मद था और अल क्यों रखा गया सिलसिला फरमा रहे थे खानदानी अजमत की बात तो ये खानदानी अजमत आप देखे मोहम्मद अलबा रजी के हवाले से हजूर नबी करीम सलात ने हजरत हज़रत ज़ाबिर रजी अल्लाह तन से फरमाया कि एक मेरा बेटा पैदा होगा उसका नाम मोहम्मद होगा तुम जब उससे मुलाकात करना मेरा सलाम पेश अंदाजा लगाए की इस खानदान की अजमत का क्या आलम है बा आप और, आले आले और बार कहते ही उसे बकरा है ना जो गाय है तो गाय वो बैल जो है वो हल जोतने का काम करती है वो जमीन को खोदने के बाद उसके अंदर से मादनियात उससे चीजें निकालती है तो आपका नाम बा इसलिए रखा गया कि पहली मरतबा आपने वोम जो के पोशीदा थे पहली मरतबा निकाली तो ये जो मतलब है तो बाखिर का मतलब ये है कि बाकी लोग अक्सर व बिश्तर बाकर कहते हैं लफ्ज बाकी है बाकी का मतलब उलूम को निकालने बाकी जी ठीक और इसी तरह अगर मैं जिनका तस्करा जो साहिब आज जो हमारे ममदू हैं है, उनका जो जिक्र हो रहा है उनके बारे में अलामा यूसफ नबानी राम फरमाते हैं कि ये इम की कान है इमाम अली रजा के बारे में इनशाला आगे जिक्र होगा तो इनशाला इसका जिक्र करेंगे हम जिक्र करें इमाम अली रज़ा रजी अल्लाह के हवाले से इमाम अली रजा रजी अल्लाह तु एक सौ अड़तालीस हिजरी में तशरीफ लाए इस दुनिया में आपका अंदाज़ देखें आप कि आपके नाम केवाले से देखें आपके वालद मोहतरम इमाम मूसा काजिम रज़ी तुम मूसा आप देखें कि आईमा अहिल के अंदर ये वाहि जिनका नाम पैगम्बर के नाम पर रखा गया इसकी क्या वजह है इसके रीज़न क्या है हालांकि तमाम के तमाम आइमा जो हैं उनमें से चार के नाम अली हैं हज़रत इमाम जैनिदीन का नाम अली है मौला अली का नाम अली और फिर वहाँ से सिलसिला चलता है नाम के हवाले से ये मैं करूँगा कि हमारे सामीन जो है इस बारे में भी जरा गौर करें अगर हमारे यहाँ किसी एक बच्चे का नाम अली रख दिया जाए तुम कहते हैं कि नहीं अब खानदान में दूर दूर तक अली कोई नहीं होता लेकिन इमाम हुसैन के घर में अगर कोई पैदा होता है, तो फिर पहले बेटे का नाम अली अकबर दूसरे का नाम अली औसत और छोटे का नाम अली अकबर अल्लाह यानी घर अला के अंदर हर जगह देखे तो अली नजर आ रहा है यू कहिए हर जगह अली अली नजर आ रहा है अली अली नजर आ रहा है अब ये जो एल सुन्नत वाल जमात का जो मौक़ है वो बिल्कुल वाज़ होता है कि देखें आपके अलहमद लासानी आगे आला हज़रत रमतल तय उसकी वजाहत करेंगे मैं अभी मैं इसके बारे में ज़िक्र करता हूँ तो अली जो है वो चार आइमा के नाम अली हैं उनमें से एक इमाम अली रज़ा हैं और उसके बाद फिर इमाम अली नक़ी हैं ये चार जमा हैं तो ये ये जो है अली अली सालिस हैं जिनका जिक्र आज हो रहा है तो मैं आज करूंगा कि अली जो नाम है ये ये बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट नाम है जो हम में देखते हैं इमाम मूसा काजिम का जो नाम मूसा रखा गया हजूर अली इमाम जाफर सादिक रजील के खाब में आकर इर्शाद फरमाया अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेगा और इनकी शक्ल मूसा की शक्ल की जैसी होगी लिहाजा इनका नाम मूसा रखना अल्लाह अकबर अल्ला तो फिर जब आप इमाम जाफर सादिक के घर में जब ये जलवा घर हुए तो अल्लाह इज़्ज़त ने इनको जो हम शक्ल मूसा थे इनका नाम मूसा रखा गया अच्छा यहाँ पर एक वाजे करूँगा एक और बात मैं कि ये आईमा अहल बैत में हम शक्ल मूसा सलाम हजरत मूसा काजम है जबकि अगर हम यहाँ देखते हैं तो उर्वा बिन मसूद के बारे में लाई गई तो मैंने देखा अल्लाह ने हजरत ईसा की शक्ल जैसा बनाया हम शबीसा हैं वो और मेरे आका फरमाते अल्लाह तेरी शक्ल पर इब्राहिम क्या बात इतनी खूबसूरत है वो तो सवाल मतलब लकव रज़ा और ज़ाहिर है उस उस बात को ज़रा आगे बढ़ाइए क्या कमाल मतलब आपकी तो मैं गुफ्तु में खो गया था इस वक्त माशा वो सवाल तो अपनी जगह रहा लेकिन आइए ज़रा एलबैत अतःर आलम की मोहब्बत से सिलसिले को आगे बढ़ाएँ अलकबात पर बात कीजिए और फिर आ, मतलब वो जो दौर है जैसा मैं अबतदा में कह रहा था साहब वो आ, मतलब जो इल्म की मुख्तलिफ मसंदें बिछी हुई थी और मतलब यूँ कहिए कि इल्म जो है वो वारसानलूम नबवी बन के बैठे हुए थे और, और उसमें आप सोचिए उम्र में जिस तरह से चमका है या अमली हो या जिहाद का मैदान हो या शर्फ और फजीलत पाना हो ये जो सरकार दो आलम का मुकदस खानदान है ना ये किसी भी मैदान में हमें पीछे नजर नहीं आता हम इनके पीछे नजर आते हैं बल्कि बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि पूरी उम्मत में जितने भी अकाबरीन हैं जिनको जो फ़ैज़ मिला खानदान के सुबह बेश देखें इल्म इस ख़ानदान से क्यों ना फूटे अल्लाह तबारक व ताली ने अपने महबूब के लिए फरमाया वह जो है अलमल्सानमलन इंसान फरमाया कि इंसान को इल्माया अच्छा और फिर अल्ला तबारक व ताल अपने महबूब आ सलाम को तमाम अम्बिया से बढ़ कर इल्मा फ़रमाया हजूर आल सलासम के घर में वही नाजिल हो रही है तो वो क़ुरान जो कि तमाम ूम का मम्बा व मरकज़ है वो क़ुरान जिस घर में नाजिल हो रहा है तो उस घर के जो शहजादे निकले हैं उन शहजादों के पास कैसा कुरान के इल्म का फैज हो रहा है यानी वो देखें ना वो क़ुरान नाजिल हो रहा है और वहीं से वो इल्म की किरणें फूट रही हैं और वह सारा फैज़ जो है मौला अली से होता हुआ इमाम जैन अलाबिदीन से चलता हुआ इमाम जाफ़र सदिक से होता हुआ इमाम मूसा काजिम के पा बारगा में और फिर सैदा इमाम अली रजा रजी अल्लाह तुम तक पहुँचा अच्छा अब अगर हम आप रजी अल्लाह तु के मकाम की बात लक़ब रजा का आपने जिक्र फरमाया लकब रजा आपको अता हुआ अच्छा यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है वो क्या? कि आपके लकब के बारे में ये आता ना कि इंसान को तो लकब किसी भी शर्फ की वजह से वैसे दे दिया जाता है, है।, है। लेकिन आपको जो लकब रजा मिला उसकी तवजी ये थी कि ये लकब रजा इस सब से मिला कि आपसे आपका रब भी राजी आपसे रब का महबूब भी राजी तो और इस, और और भी राजी राजी जो थे थे वो वो भी भी अच्छा देखें शख्सियत कितनी अल्लाह ने कमाल बनाई कि एक तो होता ना कि मुआफी तो राजी होते ही है मुखालिफिन जिसकी तारीफ करे तो हैं असल तारीफ मुखालिफिन भी आपसे राजी थे ऐसी अल्लाह ने शान रजमत आपको अता फरमाई और कुछ भी ना कहें आप खाली इतना बताएं लोगों को हम खाली इतना क्लियर कर दें कि इमाम जाफर सदिक रहमत ने, ने फरमाया था आपके बारे में अल्लाह तबारक वाली ऐसा बेटा अता फरमाएगा मूसा का घर पर जो कि आबी का आलि होगा आले 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 मोहम्मद आले 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 होगा कितना बड़ा शर्फ कितनी बड़ी फजीलतः अल्लाह तबारक वाली ने इनको अता फरमाई अब देखें इमाम उजिम जो है वो हजूरअलीसम ये जो है वो प्यारे आकाम के शहजाद इमाम अली रजा जो है आपका यह मकाम है कि आप जो है वो कम उम्र में मसंद अफ्ताह पर जलवा अफरोज होते हैं कम उम्र में मसंद अफ्ताह पर जलवा अफरोज होते हैं बीस उम्र बीस साल की उम्र है और आप मुस्ंद अफ्ताह पर जलवा अफरोज होते हैं और फतवा दे रहे हैं इमाम मालिक रहमत सीनियर मौजूद हैं लेकिन आपकी शान और अजमत यह है कि लोग पेचीदा मसाइल के लिए आपकी बारगाह में रुजू कर रहे हैं और आपकी शान के बारे में आता है कि आपसे जब भी सवाल किए जाते हैं तो आप अक्सर उन सवाल के जवाब कुरान पाक की रोशनी में दिया यह आपकी शान है और खलीफा मामून रशीद अक्सर आपसे ऐसे सवाल करता है जो कि थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते लेकिन आप अपनी हिमत और इल्म की बदौलत उनके ऐसे जवाब दे दिया करते कि वो खामोश हो जाया करता है ये आपके इल्म की फजीलत है अच्छा आपके बारे में भी आता है कि

कि इल्म के बड़े बड़े बादशाह जो वारिस उलूम नबविया थे वो मस्जिद नबवी में अपनी मस्ंदों को सजाया करते थे अब उन मसंदों के दरमियान एक बीस साल की उम्र के नौजवान जो आईमात के फूल हैं वो जब उजागर होते हैं साहब तो बड़ी बड़ी अकाबिर शख्सियात आपकी बारगाह में आती है बड़े बड़े पेचीदा मसाइल के लिए अकाबिर शख्सियत आपकी बारगाह में हाँ। रुजू किया करते हैं और फिर जिन्होंने आपसे इकतसा फैज़ किया और जिनका फैज आगे तक मुंतकिल हुआ उनमें जो नाम आते हैं उनमें बहुत बड़ा नाम हजरत मारूफ करके रहमत का है कि मारूफ करके रहमत जो ख़ानदानी एतबार से ईसाई थे आपके वालदेन ने आपको एक ईसाई राहिब के पास भेजा कि वहां पर जाके पादरी बने राहिब कहता है बोलो तीन यानी अकीदा तस्लीस दा हाँ तसलीस हाँ 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 तो आप कहते हैं कि वो तो एक ही है वो तो, तो एक क्यों ही बोलूँ ही हाँ हाँ तो जब राहब ने तशद किया तो आप वहां से भाग गए हाँ फिर कहीं ना मिले तो आपके वालिदैन ये कहने लगे कि किसी भी दीन पर हो या आ जाए हम इसको कबूल कर लेंगे हाँ अब आप वहां से निकले तो आप पहुंचे इमाम अली रजा की बारगाह में इमाम अली रजा ने ऐसा एक आपको फैज़ अता फरमाया कि इस्लाम के नूर से आपको मुनवर किया इस्लाम के नूर से मुनवर करने के बाद जब आप पहुंचे अपने वालदेन के पास तो वालदे ने पूछा किस दिन पर हो कहा मैं दीन इस्लाम पर हूँ वाले वालदेन ने जब सुना कि दीन इस्लाम पर हैं तो वालदेन ने फौरन कबूल कर लिया आपको भी कबूल कर लिया और आपके बदौलत दीन इस्लाम को भी कबूल यानी इसका ये मतलब ये हुआ कि मैं बात को यूँ आगे बढ़ाता हूँ ये बड़ा एक मेरा ख्याल रेलिवेंट सवाल बनता है और इन्हीं की बात से आगे बात को बढ़ाते हुए और फिर आप ज़ाहिर मतलब इस पर मजीद गुफ्तु कीजिए कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि सिलसिला जुनेदिया और सिलसिला कादरिया तो मरूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैहि की बात हुई तो जो फैज़ान बिलवास्ता है बिलावास्ता पहुँचा वो हज़रत इमाम अली रज़ा आल सलाम का हमें नज़र आता है इसका मतलब यह है कि तसवुफ़ में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फैज़ का आय्मा अल बैत के दर और आयम अलैद में ख़ास पर इमाम अली रज़ा आलम से जो है बटा है इस पर ज़रा गुफ्तु कीजिए दूसरा जड़ी आम तरीन बात है कि जहर चूँकि अभी हमने इलम मकाम की बात की तो मकाम ऐसे नहीं बना व जो इब्तदाई तारीमी तरबियत जिस जिस गुलश्शन के आप हसें फूलें उस गुलशन में जो आपकी मतलब यूँ कही कि बुनियादों में आबियाारी हो रही है वह आबियाारी करने वाले इमाम मूसा का आजम और इमाम मूसा काजम्सम उस वक्त जो एक ख़ास फितने का टबलेंस का पीरियड देख रहे थे तो आपने जो जानशीनी का भी आपका ऐलान कर दिया था उसके पीछे भी ज़्यादा वजुहत वसीयतें वो सब नज़र आती हैं आगाज़ की बिसम बिल्शुबा हमारे लिए सादत है इमाम अली रज़ा रजाल्ल्ला त मुबारक जिक्र से हम अपनी ज़बानों को मअतर किए हुए हैं और इसमें तो कोई दौर आए नहीं कि आईमा अहै के ये सारे नफूस और बिल्तम जब हम सईदना इमाम अली रज़ा रद्ल तहों के हवाले से बात करते हैं तो ये सारे नफूस एक एतबार से गुलशन के ऐसे फूल हैं जो अपनी महकार में इंफ्रदियत रखते हैं और कहीं ना कहीं किसी मकाम पर ये सारी शख्सियात एक दूसरे से मुनफरद भी नजर आती हैं चाहे वो अपने ज़माने के अतबार से हों चाहे अपनी तरबियत के अतबार से हों चाहे अपनी खिदमत के अतबार से हो तो माँ मली रज़ा रदील्ला तु की शख्सियत को जब हम देख रहे हैं जहाँ जैसे भी आपने ज़िक्र किया कि तस्वुफ़ की दुनिया में आपकी रूहानी जो आ, सलासिल में आपका जो इंतज़ाम अहतमाम है वो एक मिसाल रखता है और जो इस वक्त बुलंद पाया सलासिल हैं उनमें माम मली रज़ा रदील्ला तु की जानब से ही वह फैज़ान हमें जारी होते हुए नज़र आता है बिलाशुबा इसमें सबसे बड़ा किरदार और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके बुजुर्गवार इमाम जिम रदों की जानब से है पैंतीस साल का तकरीबन अरसा जो है आपने अपने वाले गुजारा है तो इसका मतलब यह है कि जो तालीम और तरबियत का तसलसल और वो जो इल्मी मीरास वो पीछे से चली हुई आ रही है इमाम जैन अलाबद्दीन के ज़रिए से आगे मुंतकिल होते हुए इमाम मूसा काजिम तक पहुँची है और फिर उसके बाद हज़रत सैना इमाम अली रज़ा तक वो जाती है तो हमें यह नज़र आता है कि बिलाशुबा ये काजमी रंग जो इमाम अली रज़ा की सूरत में हमें दुनिया में बिखरे हुए नज़र आया ये यकीन आप ही की शख्सियत का ख़ासा था कि जिसके नतीजे में उस इल्म की तरवीज को आपने यूं समझे कि मुकदम रखते हुए हर मकाम पर आपने उस चीज़ का तमाम फरमाया बल्कि आप देखिए कि वो इसमें बाकरी रंग भी नजर आता है जाफरी रंग भी नजर आता है इसमें काजमी रंग भी नजर आता है जी बिल्कुल है। तीनों ही बिल्कुल। रंग एक, एक जगह अपने अजदाद की वरासत को भी उनकी रूहानी वरासत को भी और साथ साथ उनकी सियासी वरासत को भी आपने आगे जिस खुशलूबी के साथ मुंतकिल फरमाया ये इमाम अली रज़ा रदील्ल तु की इफरादियात में से Allah. हमें नज़र आता है अब आप ये देखिए कि इमाम मूसा काजिम रद्ल तनों की शख्सियत को जब हम देखते हैं तो आप एक जहाँ दीदा शख्सियत हमें नज़र आती है मुस्तबिल के हवाले से आपके जितनी भी परसपशन हुआ करती हैं या जितने भी आप इस एतबार से अपने ज़ाविये कायम फरमाया करते उनमें हमें ये बात नज़र आई कि आगे जाकर उसी तरह से मामला पेश आए जो पहले इमाम उसे काजिम ने उसके हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार फरमाईं और यही वजह है कि जब हम इमाम अली रज़ा रदील्ल तहों के हवाले से हम देख रहे हैं कि पैंतीस साल तो उन्होंने इमाम उज़िम के साथ गुजारे लेकिन ये जो जानशीनी का तसलसल आगे मुंतकिल हुआ, हुआ इमाम अली रजा में ये कैफियत हमें किसी और इमाम की जानशीनी में नज़र नहीं आई ये इमाम उसा काजम ने ही अपने शहजादे इमाम सईद अली रज़ा के लिए एहतमाम फरमाया और उसके पीछे भी इमाम मसा काजिम की वो यूं समझिए कि दूरअंदेशी की वो उस की है। हाँ वो फरासत है आपकी दूरअंदेशी है कि जिसके नतीजा में ये बात हमें सामने नज़र आई कि आपने अपने जाहिरी विसाल से कबल ही जब सियासी मैदान में हालात को भांप लिया और जान लिया कि अब कैफ़ियात ऐसी हो गई हैं कि अहले बैत का नाम लेना मुश्किल हो गया हालत अल्ला ये अल्ला हो गई है कि लोग अहले बैत से अपनी मोहब्बत और अकीदत के इजहार से डरने लगे हैं खौफ खाने लगे हैं कि कहीं सियासी तौर पर उन पर प्रेशर ना पड़ जाए और ये तारीख है ये, ये तारीख है बिल्कुल और फिर इस कैफियत में इमाम उसे काजम का ये स्टेप लेना कि आप अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम की कैफियत को रहे हैं कि कितना मुश्किल वक्त हो जाएगा कि मुझे कैदो बंद में भी जाना पड़ेगा और उन कैद बंद की सौबतों से पहले ही आपने इस उम्मत पर एहसान फरमाया कि आपने इस उम्मत को वैसे नहीं छोड़ा बल्कि इमाम सईदी रु जानी अता फरमा कर गोया के उनके हाथ में इस उम्मत की वो बाग दौड़ अता फरमा दी कि अब रूहानी तौर पर इलमी तौर पर इनकी रहनुमाई और इनके रिश्तो हिदायत के लिए आपको ही ये मनसब अता किया जा रहा है और उसके लिए इमाम उसका काजिम ने मदीनातुलमनवरा के वो सत्रह सादात को जमा फरमा कर फिर तहरीर नामा जमा करवाना और फिर मजीद साठ अफराद के सामने अपने इस अमल को गवाह बनाना और इस गवाही के साथ इमाम अली रज़ा की जानशीनी को मोहर तस्दीक सब के साथ कायम करना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कैदोबंद ही क्यों नहीं कैफिया में रब जलाल की बारगाह में हाज़िर हो जाऊँ और इस जानशीनी को कोई कबूल ना करे लेकिन इमाम अली रज़ा रदील् तों ने जहाँ अपनी तरबियत जहाँ अपने इल्म जहाँ अपने तकवा और वरा की कैफियात के साथ अपने वालद बुजुर्गवार के उस तसलसल को आगे बढ़ाया ये आप ही का ख़ादा था और फिर ने देखा, अपना रंग रखती है। इमाम अली ताला अपनी उस तरबियत के खूबसूरत मजाहिर के साथ अपने तरवीज दीन को कायम रखते हुए मैदान में भी अपना लोहा मनवाकर इस बात का ऐलान फरमाया कि हम ही हैं कि जो दिलों पर भी हुक्मरानी करते हैं वह तो दुनिया पर भी हुक्मरानी क्या खूबसूरत तमीज़ आपने खूबसूरत गुफ्तु फरमाई अलाम कराम साहब सलामत रहिए नाज़रीन हमारे साथ आप जुड़े रहिए बात यह है कि एहसान तो सिर्फ अगर है ना तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम का है और हमारी गर्दनें उनकी बारगाह में हमेशा इस तस्वुर से झुकी रहें कि आप ही का हम पर एहसान है और हम आपके एहसान मंद हैं और हम आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकते आप यकीन मानिए इससे बढ़ के शादत कुछ और नहीं है क्योंकि आपका नहीं आपकी पूरी आल को उठा लीजिए ना आप और फिर अगेन वही बात जब इमाम मेहदी आलम का हूरूर होगा उस वक्त भी देख लीजिए सिवाय एहसान के और कुछ नहीं है इब्तदा में भी एहसान है आज भी एहसान है इंतहा में भी एहसान होगा और उस वक्त भी एहसान होगा कि जिस वक्त सूरज सवानी पर होगा पाक सरकार की बारगाह में उनके आल की बारगाह में पेश कीजिए लॉर्ड्स के आपको बतलाते हैं साहब के अल्लाह तबारक ने जिन औसाफ व महासिन से आपको नवाज़ा था और खास तौर पर जब ये जो अब्बासी ख़ास तौर पर हुक्मरान थे उन्होंने जब अपनी अपनी यूँ कहिए कि कच फहमी और अपने यूँ कहिए कि तशद को और इंतहा पसंदी को जो है बहुत ज़्यादा प्रवोक किया उसके बाद क्या हुआ द्रुद पाक पेश की थी जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदे कहता हूँ गुलशन सैद कायनत बी बी फातमत के इंतहाई हसीन तरीन फूल आठवें इमाम जनाब इमाम अली रजा आलम की बारगाह में नाजर हम हदाय पेश कर रहे हैं इस तयुन के साथ कि बस कल बरूज मैशरत वो अपना खास करम हम गुनागारों पर फरमा दें बात को वहीं से जोड़ लेते हैं मफ्ती साहब अब ये चूँकि बात अमामा इक्राम साहब ने फरमाई थी कि जिसमें इमाम मूसा काजम ने जिस अंदाज से हालात को भाप लिया था और ये भी खासा आयम अहल बैद का यह भी खासा मौली कायनात की आल का मुस्तफ़ी गुलशन के इन फूलों का कि वो भाप लेते थे आगे के आने वाला हालात की नासाजगारी आपके सामने थी फिर ज़ाहिर है वो जो एक हारून रशीद के दौर में जो ख़ास तौर पर जो हुकूमत कोई सटन खौफ था आईमा अलीस से वो भी सामने आ चुका था अच्छा उसी तसलसल में ज़ाहिर है फिर आगे जाके जब इमाम मूसा सलाम की जब शहादत हो जाती है एक सर्टन टाइम पर आपको जो है फिर वो निशापुर बुलाया जाता है तो बुलाने का मकसद कुछ और था लेकिन वही बात है जो हब्ब अहले बैद के मंचले थे वो जिसअाज से निकले बड़े पड़े और फिर वहाँ पर हदीसिलजहा तो जो बयान हुई है उस पर अच्छा देखें जुनेद भाई इसमें जो है हमारे नाजरन को इस बात का इदराक होना चाहिए कि हम तारीख को पढ़ें तो हमें इस बात ये बात हम पर वाजे होगी कि तारीख हमें बताती है कि आईम अहल बैद का जकाम व मरतबा है वह है क्या इनकी तस्करें हम क्यों ना करें इनके तस्करे क्यों ना करें कि अगर हम देखते हैं हज़रत सदना इमाम अली रज़ा को देखते हैं तो हमारे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलीवी रहमत आल के शजर तयबा के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर सिद्क सागत सादिक का तसद्लाम रख बे गजब राजी हो रजा के वास्ते वहाँ इनका तस्करा मिलता है हम इनका तस्करा क्यों इमाम का भी ये जिक्र है ऑलरेडी हम देखते हैं शजर तय्यबा में जिक्र है पढ़ते हैं इनके मुरदी रोजाना पढ़ते हैं तो हम इनका तस्करा क्यों ना करें जब हाज लोग ऐसे हैं कि जो अईमा अहैत का तस्करा करते हुए थोड़ा कैफियत उनकी बदल जाती है कि हम कहीं दूसरी तरफ तो नहीं चले जाएंगे तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जब हम हजरत ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती रहमत आलिए का तस्करा करते हैं उनकी छठी शरीफ मनाते हैं तो उनके बाबा जान का तस्करा क्यों नहीं होना चाहिए हजरत मोहनुद्दीन चिश्ती रहमत काजमी सैद है आप जब उस्मान मरवंदी रहमत का कर तस्करा करते हैं तो फिर हजरत इमाम ज़ाफर सादिक का तस्करा क्यों नहीं फिर जब आप देखें कि हजरत ने अभी फरमाया कि मारूफ करखी रजी अल्लाह का जिक्र किया गया तो मारूफ करखी कौन है चौदह सलासिल के इमाम है आप चौदह सलासिल के इमाम जिनका तस्करा किया जाता है और ये कादरी सिलसिले के नवे इमाम है जरा अंदाजा कीजिए जब नवे इमाम का तस्करा किया जाएगा तो ये इतज कहाँ से कर रहे हैं ये किस धर पर बैठे होते हैं इनकी शहादत कैसे हुई है जरा मालूम कीजिए तारीख पड़े हजरत जो है वो इमाम अली रजा तो पर खड़े होते थे जो लोग आते थे तो वो उनको लेकर अंदर जाते थे एक मतबा बहुत रश हुआ उस रश में उसमें भगदड़ केजरतल उसका तस्करा क्यों ना किया जाए उनका शहीद होता है क्या बात है क्या जुमला आपने घरों में देखते हैं इमाम बाधा जाता है आपका इसनेिक्के आप तो इस में हजरत इमाम अली रजा का नाम लिखा था तो आपके जो थे वोहिबीन जो है पास रखना वो जो है सालतमंदी समझते थे कि अगर हम इस सिक्के को रखेंगे इनकी नाम की बरकत से हमारा सफर ठीक हो जाएगा हां अब इस उस, सिक्के की वजह से हमारा सिक्का चलेगा इस सिक्के की वजह से हमारा सिक्का चलेगा वाह तो फिर उनके वा والدین ने फिर ये सिलसिला सिल, जारी किया कि भाई ये तो जेब में रखने से कहीं ऐसा ना इधर-उधर हो जाए तो उसको कपड़े में बांध के उसको हाथ में बांधा जाता था अच्छा। तो ये सिलसिला जो चला है इमाम जामिन का उस इमाम जामिन के पीछे जो है परसेप्शन ये था अच्छा। इमाम अली रजा का नाम जो था वो साथ रहेगा तो नाम की बरकत से सफर अच्छा हो जाएगा। पहली मरतबा सुना है हाँ। लेकिन अच्छा लगा हाँ, तो ये, ये जो है सिलसिला जो चला वहां से इसके बाद आप आए इस तरफ की हजरत इमाम अली रजा रजी अल्लाह जब निशापुर आए और जब मामून रशीद ने तलब किया तो फिर अब देखें कि सिलसिला क्या है कि उस वक्त के बड़े बड़े आईमा जो इमाम अबू जरा मुहद्दिस हैं बड़े मुहदस हैं इमाम मोहम्मद असलम तूसी बड़े बड़े मुहदस हैं वो जनाब आए जम उमड़े जमेर मजमायुजमे बेनजीर जमा हो गया और ऐसा आलम था कि जब आप निशापुर तशरीफ लाए तो बीस हजार का मजमा सिर्फ आपके दीदार के लिए वहां पर मौजूद था कमाल ये कि बा कलम थे थे लिखने को तैयार दवात लेकर मौजूद थे दवात लेकर लेकर मौजूद मौजूद कलम और जईये और वो सिर्फ और अच्छा फिर जब तशरीफ लाए आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात लिखी इमाम इबन हजर मक्की रम्लाते जब आप तशरीफ लाए तो आपके चेहरे पर पर्दा था क्या हुसनो जमाल लगाएं। के इस हाँ, की से आश्मियों की हाँ, क्या कहते हैं और आला हजरत रहमत मुजदीद है मुजद्दी कौन होता है मुजद्दी वो होता है जो उम्म के जुल्फ परेशान अपने नाखून तदमी से संवारता है लिहाजा आप अंदाजा कीजिए कि आला हजरत फतावा शरीफ के अंदर ये नकल रहे हैं। तो अब इस का जो परसेप्शन था वो क्या था जब कशीफला चेहरे पर पर्दा है इमाम हजर मक्की राम फरमाते मुहदसिन आगे कह लगे हजरत जरा उठा दो पर्दा दिखा दो जलवाये वो जो आला आला फरमाया था यहाँ पर भी जरा नजर आता है पर्दा हटाया गया अब जब पर्दा हटा तो हुस्ने जमाल को देख करके कोई रो रहा था कोई चीख रहा था लोगों की कैफियत बदल गई और फिर आने के आगे कर आगे बढ़ने के बाद मुहदीसि ने कहा हजरत आपकी जुबान मुबारक से हम चाहते हैं कि आप अपने आबा के कोई हदीस तो बयान फरमाओ उस गोल्डन चेन को सुन ले सिलसिला तो जहब जिसे कहते हाँ। हैं यानी गोल्डन चेन आपने फरमाया कि मैंने इमाम अली रजा फरमाते मैंने अपने वालद मोहरम इमाम उजम से इमाम उज़म <स्तिन> ने अपने वालद मोहर इमाम जाफ़र सादिक से इमाम जाफ़र सदक ने अपने वद मोहर इमाम मोहम्मद अलबा उन्होंने अपने वद मोहरम इमाम जैनलाबिदी से उन्होंने अपने वालद मोहरम इमाम हजरत इमाम हुसैन से इमाम हुसैन ने अपने वालद मोहरम मौलानी से उन्होंने ताज दार कौन अपने आँखों की ठंडक ताज कौन हजूर पुरू सल्ला से ये बात सुनी है कि जीवरी लाए और उन्होंने आकर कहा कि मैंने अल्लाह से अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है

आ, अपने सरअदस पर वो वो वाहिर मकाम व मरतबा लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है और मैं चाहता हूँ इस मौजू पर ज़रूर बात कीजिए हमारे यहाँ ये जो खपत है ना नस्बतों का खास तौर पर इला माशा लेकिन कि हम कि, कि, किसी से नस्बत जुड़ जाए तो हम बड़ा तफाखर से वह करते हैं आइमा अहिल वैत ने बताया कि यहाँ किरदार का मामला है सारा जो नस्बतों को एक तरफ़ रख के किरदार को ऐसा सामने लेके आए, आए कि आपकी मरातब भी अगर लोगों में बयान होते थे तो आप उनको भी टोक के आमाल से मशरूत किया करते थे इस पर जरा गुफ्तु कीजिए बसमीम देखें बिलाशुबा आईम अहल बैत में इमाम अली रज़ा रजी अल्लाह ताज से हमें ये मिलता है कि आपने अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारी और जो कुछ करके दिखाया और जो तलीमत उम्म को दी उसमें उम्म के लिए बहुत कुछ सीखने को मौजूद इतनी बड़ी नस्बत इतना बड़ा ताल्लुक़ इतना फ़ैज़ इसके बावजूद आपके जहद व तकबा का आलम यह था कि आपकी वालदा माजदा फरमाती हैं यानी ये जहद व तकवा आपकी ज़ात में था ना ये अल्लाह तबारक व तरफ़ से पैदाश ही आपके अंदर मौजूद था अल्लाह और ये जो है वह नबवी फैज़ान था वकवे का जो आप तक मुंतकिल हुआ आपकी माजदा फरमाती हैं कि जब इमाम अली रज़ा अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो मुझे ख्वाब में अपने वतन से अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें आया करती ये आपकी शान और अहमत आपके वालदा मोतरबा बयान फरमा रही हैं अच्छा अब अगर हम ये बात करें कि अल्लाह तबारक व ताली ने आपको इतनी नस्बत फरमाई इतनी अल्लाह तबारक व ताली ने आपको शर्फ दिया और आप जो है वो इतनी बड़ी रियासत के वलिए वली बनाए गए इतनी बड़ी रियासत के जैसा कि इब्ता में आपने जिक्र किया कि उनका यह दावा था कि अगर ये बादल यहाँ से गुजर रहा है आप रदी अल्लाह अपने, हाँ, जोबन जोबन अपने खादिमीन को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया करते थे दरबान वगैरह का तो कोई ऐसा तस्वर था ही नहीं ना जैसे दीगर हुक्मरानों का था आप रदी अल्लाह तुम के जो दीगर खादिमीन हुआ करते थे हुआ करते थे आप इस बात का बिल्कुल भी ये नहीं करते थे कि मैं वली अहद हूँ तो मेरे लिए कोई खाने का अलग प्रोटोकॉल हो अहतमाम हो आप उन्हें अपने साथ खिलाया करते थे बल्कि एक मौके पर किसी ने अर्ज़ की कि हुजूर क्या क्या वजह है कि अगर हम इनका खाने का अलग अहतमाम कर दें तो इसमें क्या हर्ज है तो आप रहमत वक्त बहुत ही तारीख़ी जुमला अर्शात फरमाया आप रजी अल्लाह हैं सब का ख़ालक अल्लाह है सबकी हैं, सबके वाल हजरत आदम सलात है जजा व सजा हर एक की उसके अमल के मुताबिक होगी तो फिर तफरका कैसा यानी तफरक़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है और फिर इसी तरह एक मौके पर आप रजी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे आबाव अजदाद को अल्लाह ताला ने ये जो फ़ज़ीलत अ फ़रमाई ये जो शर्फ़ अता फ़रमाई ये मक़ाम ये बुलंदी अता फरमाई फरमाए ये सब कुछ तकवा परहेजगारी इतात खुदा के सबब अल्लाह ने इनको अता फ़रमाया और आप रदी अल्लाह तु से एक मरतबा एक शख्स ने मुलाकात की और वो शख्स आपसे बड़ी मोहब्बत करता है तो उसने आपसे कहा कि वल्ला आप तो मखलूक में बेहतरीन है बताइए क्या कहा वल्ला आप मखलूक में बेहतरीन और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं और यहाँ पर यहाँ पर हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे सामने को अपनी तारीफ कर दे तो खा वो तारीफ खोरी क्यों ना हो हम कबूल कर तो तो लेकिन लेकिन यहाँ मामला और था यहाँ फरमाया कि शख्स तुम हल्स ना उठाओ बल्कि जिसका तकवा परहेज गारी मुझसे ज्यादा है वो मुझसे ज्यादा अफजल है बल्कि एक सियाफा मुगलाम की तरफ इशारा करके एक मौके पर फरमाया था कि अगर मैं इससे उस वक्त अफजल हूँ कि जब

किया करते थे और ये खत्म सिर्फ ऐसा ही नहीं होता था बल्कि हर आयत और शान नजूर पर आप गौर फिक्र किया करते थे और एक बहुत बड़ी सिफत जो आपके बारे में आती है कि आप गरीबों की मदद करते और वो मदद भी अक्सर खुफिया हुआ खुफिया मदद किया करते ज़ैनलाबिदीन आलम जब पर्दा फरमा जाते हैं तब रास खुलता है गसल के वक्त के बोरियाँ लाद के कमर पर जाया करते थे तो ये तो लेगेसी है इस घरानी की इसमें तो कुछ ये घराना तो ये घराना तो तकसीम करने वालों का घराना है बांटने वालों का घराना है अता करने वालों का घराना है देने वालों का घराना है लुटाने वालों का घर बल्कि झोलियाँ भर भर के जो है वहीं कहिए कि दर से जो है वो भेजने वालों का घराना है अब हाँ जव्वाल बताइए अब इमाम तकी सलाम जवा और वो इमाम वमामजवा कहलाते हैं देखिए क्या इमाम जबात कहलाते हैं अच्छा अब आइए जरा ये जो आखिर में रशीद जाहिर है ये सारा खेल खेलदार का था कुर्सी का था आज भी कुर्सी का ही खेल है है और क्या है? तो मामून रशीद की जो सियासी चाल बुनियादी तौर पे थी इमाम अली रजा अलैहि सलाम ने किसी भी वजह से वली अधिक मतलब, लेकिन तर्ज पुरानी आपको बड़ा मुख्तलिफ था और जो दो तकवा जिस तरह से आपने इख्तियार किया था और हक की अलमबरदारी उसके बावजूद आपने जारी रखी वही बात है कि अगर खल के कुरान का मामला आ जाए तो आप खड़े तकदीर का मामला आ जाए तो आप खड़े यानी सरकार में रहते हुए भी आप सरकार के ना थे बल्कि सरकार के थे बल्कि सरकार के थे तो आप की शहादत के बारे में भी बतलाइए जरा जी बिलाशुबा इमाम अली रज़ा रद्ल के आ, हम जब उस दौर को देखते हैं कि जिस वक्त सियासी चालें अपने अरूज पर हैं और इमाम अली रज़ा रदिल्ल तन जहाँ दरस व तदरीस से वाबस्त हैं जहाँ अपने रूहानी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं वहीं सियासी तौर पर भी आप एक मजबूत और मस्कम शख्सियत के तौर पर दुनिया वालों के सामने अब आपके हम ये बात जान रहे हैं कि इमाम अली रज़ा रदिल्ल तु का जर है वो एतक़ादी तौर पर भी बहुत सारे फितनों से भरा हुआ दौर है जैसे आपने भी इशारा किया तकदीर का मामला है खल के कुरान का मामला है ये एक ऐसे उसूल और एक ऐसे क़ायदे थे जिन पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता था बिल्कुल ठीक और यहाँ मलिर ने उस पर जो है सबितदमी इख्तियार फरमा कर आज तक के मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया है कि जो चीज़ मुसलमत हैं उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा चाहे तुम्हारी जान इतना चली हो hmm. फिका हो तो फिका के मामले में आप पेश पेश नजर आए हर मामले में आप रहनुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं hmm. देखिए ये शहनशाही ये बादशाही ये हुकूमत ये सल्तनत ये तो इस खानदान का वतीरा है hmm. और हमेशा बादशाहत रही का है। जी hmm. ये बादशाहत इनके गोया के कदमों में हमेशा रही और ये हस्तियाँ और ये शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्ज़त ने दुनिया से बे न्याजी अता फ़रमाई और वो बे न्याजी इमाम अली रज़ा के अजदाद में जैसे हमें नज़र आई वैसे ही आपकी शख्सियत में हमें नज़र आ रही है बिल्कुल जब अब ये हम जब आबासी दौर की बात करते हैं और उन खलाफा की बात करते हैं तो अब उस वक्त ये बात वाज हुई जब इमाम मूसा काजिम का विसाल हुआ और उस विसाल के बाद इमाम अली रज़ा ने जानशी को अख्तियार फरमाया लोगों के साथ जो आपका एक तल्लुक़ और एक तसलसल था तो सियासी मसलहत की बुनियाद पर आपको वली अहदी को जो है ना यूँ समझे कि ऑफ़र किया गया कि आप वलीहद के मनसब पर फायज़ हो जाए आप चाहते तो उसका इनकार फरमा देते लेकिन आपने उसे कबूल फ़रमाया उसकी एक वजह जो हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आती है वो ये है कि इमाम अली रज़ा रद्ल ये जान रहे हैं आप ये जान रहे हैं कि अगर इस उहदे पर मैं आ जाता हूँ तो बहुत आसानी के साथ लोगों तक अपने नज़रियात और औरत को पहुँचा सकूँ mm. इसमें भी अपनी कोई फलाह और बहबूद नहीं है या अपना कोई मतम नज़र नहीं है बल्कि आपने उस मकाम पर भी इसी बात को मद्देनज़र रखा कि हुकूमती mm. सतह पर कि जो इफ़रात तफरीद और जो खुराफात जो है वो मुआरे में जन्म ले रही है मैं एक मनसब पर बैठ कर उन्हें रोकने का अहल और काबिल हो जाऊँ आप देखिए कि वली का संभालने से पहले भी और बाद भी आपके जो जहरी एतबार से जिंदगी के नशेब फराज हैं या जो बुद हैं और जिंदगी गुजारने के अहवाल हैं वो ये एक जैसे रहे, रहे सादगी, सादगी, सादगी। यहाँ हमारे यहाँ तो कोई यूसी काउंसिलर लग जाए तो ओ, सीधे हाथ जो है ना वो सलाम करना गवारा नहीं करता जी और इमाम अली रजरद उस अबासी सल्तनत में वली अहदी के अहदे पर आने के बावजूद उसी तरह से गरीबों और नादारों से मिल रहे हैं उसी तरह से दरसो तदरीज़ फरमा रहे हैं उसी तरह से अपने को कर रहे हैं ये अबासी खुलफा ये चाहते थे कि जो अरबी जात लोग हैं वो हमारी जानब खिंचे और इस खास वजह की वजह से आपको वली अहदी के उहदे पर लाकर उन्होंने कोशिश की कि लोगों का रुझान अपनी जानब लेकिन खुदा की कुदरत देखिए मनसब मिला तो इमाम अली रजा का लोगों की जानब जो तो थी जब वो बढ़ी है तो सारा का सारा इन्हमाक इमाम अली रज़ा की क्या रहा है। सरकारी नहीं सरकार के? अब वो जब वाक़ता उस दीन की तरवीज इशात उस एतबार से होने लगी कि जो उस खिलाफ यानी सल्तनत के लिए जो है एक एतबार से यूँ समझिए ख़तरा होने लगा तो फिर उसके बाद आप देखिए कि इस उम्मत में और अहवाल में और बादशाहत में हमें ये नज़र आया है कि किस किस अंदाज़ में दगे के साथ बड़ी बड़ी शख्सियात को इस दुनिया से मिटाया गया है और ये शहादत तो गोया इस घराने में एक यूं समझिए कि फूल किसी कैफियत में है कि जो हस्ती चाहती है उस फूल को उठाकर सूंघ लेती है इमाम हसन मुशतबा को देखिए इमाम हुसैन रदिल्लान को देखिए इमाम जैसेदीन को देखिए इमाम उसकम को देखिए सारे शहादत के अला मरतबे पर फायज़ हैं और फिर इमाम अली रज़ा रदिल्ल तन्ों के साथ भी यही हुआ कि बाज़ रवायात में यह कि अंगूर देकर और बाज रवायात में अनार में जहर मिलाकर जो है ना आपको खिलाया गया जिससे आपकी शहादत हुई लेकिन जान लेना चाहिए कि ये जो मौत हुआ करती है अल्लाह के जो बरगुजीदा बंदे हैं हाँ। उन पर जो मौत का आना है वो फ़कत एक लम्हे का हुआ करता है बस। कल भी ये हमारे दिलों में जिंदा थे आज भी जिंदा है क़यामत तक जिंदा यकीन यकीन इसमें कोई दूसरी राय नहीं और आज भी आप देख लीजिए नाज़रीन मशर शरीफ में आज भी आप देख लीजिए यानी करोड़ों की तादाद में लोग आपकी बारगाह में जाते हैं आपका आपका मजार पुरान बुका नूर बना हुआ है साहब और जो फैज़ वहाँ से जारी होता है फैज़ लेने वाले जानते हैं वो फैज़ वहाँ से क्या जारी होता है किताब शिफ़ा दिल की धड़कन अगर तेज़ हो जाए तो जाए तो उसका इलाज आपको बतलाते हैं कि अगर किसी शख्स के दिल की धड़कन तेज़ हो तो कोई दूसरा शख्स तीन बार सूर रहमान पढ़ कर पानी पर दम करे और वह पानी मरीज़ को पिलाए यह अमल छः दिन तक तो जारी रखें इन शाला करम हो जाएगा। इमाम अली रजा का कौले मुबारक हैजमन जरूर पड़ेगा इमाम के हवाले सेक्स पे हमें फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिए आइए जरा अपनी अपनी रूस से तजीदिन तक हमारा हम सबका पाकिस्तान का उम्मिमा का खास

इमामत का नगीने पुरजिया है इमामत का नगीने पुरजिया है गुलेरा ना अली के बूसताँ का गुलेराना अली के बोसता का दिले मोमिन इसी का मुब है दिले मोमिन इसी का मुब है बड़ा शीरी सुखन है नर्म खू है बड़ा शीरी सुखन है नर्म खू है जहाँ सुनता है जब ये बोलता है जहाँ सुनता है जब ये बोलता है और सखावत अब भी जारी है रजा की सखावत अब भी जारी है रजा की सदा मशहद में दर इसका खुला है सदा मशहद में दर इसका खुला है और कजाओ कदर से वाकिफ है साजिद कजाओ कदर से वाकिफ है साजिद ये नूरे बातनी से देखता है ये नूरे बातनी से, से देखता, देखता है अली, अली रजा जा हक जा की रिजा है, है। इमामत, इमामत का नगीने, नगीने पुरजिया है